हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो उसमें आज हमारा यूथ कंपटीशन का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और अगर सीरियल के हिसाब से देखें तो हमारा ये 13वां प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं देर ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्यसभा में जब धन विधेयक पारित होता है तो वो राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक पारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, पंडित भीमसेन जोशी की क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो शास्त्रीय संगीत गायन में थे। ठीक है, आंसर हमारा भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की है। तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो की है वो कोठारी समिति ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष गठित हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 1984 में गठित हुई थी, जो भोपाल की जो एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव हुआ था, उससे जाने कितने लोग मारे गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है। तो अर्थशास्त्र की रचना की है कौटिल्य ने। ठीक है, इनको चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 जो चुना गया है वो चुना गया था द साइलेंस ब्रेकर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। तो किस ऑफ लाइफ के जो लेखक हैं वो इमरान हाशमी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, आएगा विश्व जल दिवस किस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात की जाए तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विद्या में कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो मजरूह सुल्तानपुरी ये शायर, राजपाल यादव ये अभिनव के क्षेत्र में है, और उस बिष्ट ये चित्रकार जो राजन साजन मिश्र हैं ये रंगमंच के क्षेत्र में ये नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो झीलों की भूमि फिनलैंड और सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटाइना, यही नहीं सुमेलित है, सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है वो थाईलैंड को कहते हैं। ठीक है, गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार है और उगते सूर्य की भूमि जापान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक उर्वरक का जो उदाहरण नहीं है वो नहीं है कंपोस्ट। ठीक है, यूरिया पोटास फास्फेट ये तीनों होते हैं रासायनिक उर्वरक के उदाहरण, और जो कंपोस्ट होता है वो जैविक खाद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था। तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। ठीक है, जिन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, शीत युद्ध को निम्नलिखित घटनाओं में काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो शीत युद्ध की बात की जाए तो कोरिया युद्ध, इसके बाद में आएगा क्यूबा मिसाइल संकट, तीसरे नंबर पर आएगा तीसरे नंबर पर आएगा वियतनाम युद्ध, और इसके बाद में बर्लिन विखंडन। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और मेथेन भी होती है, O2 नहीं होती है, ऑक्सीजन ये नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो जो सिलिकॉन होता है वो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार प्रारंभ होती है। तो ये होती है लिस्बन संधि के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया है। तो इन शब्दों का निर्माण की बात की जाए तो जेएम कीन्स ने किया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया। द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन किया है वो किया है, सॉरी,
ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो प्रतिपादन किया है वो दादा भाई नौरोजी, और आगे अगला हमारा क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत कहते हैं पामीर नाट, यानी कि जो पामीर का पठार है उसको हम संसार की, विश्व की छत कहते हैं, ठीक है, पामीर की पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? तो हरमनप्रीत कौर जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है, जो भारतीय क्रिकेट महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ आईएसओ का मुख्यालय रोम में है। आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है। आईएसओ 14 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है, ठीक है। आगे है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें सही पूछा गया है, तो इसमें जो दो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है, दो और तीन, देखते हैं इसमें हमारा जो दो और तीन है, ठीक है। आईएसओ 9000 ये गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र को मानकों से संबंध है, और ये 14 ये पर्यावरण प्रबंधन तंत्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? तो भारत में पर्यावरण निशान का जो चिन्ह है वो है हमारा, सॉरी, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो है वो पर्यावरण निशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया था? तो लिया था वो संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्रणाली है? तो भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्रणाली की बात की गई है, तो वो है हमारा, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है वो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है वो गंगा डॉल्फिन को जलीय प्राणी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई हैं? तो सातवें वेतन की सिफारिश की बात करें तो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलकल वर्ल्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ है गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित साहित्यकार उनकी रचनाओं में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो केशव दास, रसिक प्रिया, प्रेमचंद की कर्म भूमि है, महादेवी वर्मा की यामा है, जयशंकर प्रसाद की यशोधरा नहीं है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, तितली, इरावती, ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो पश्चिम की बात की जाए तो ये यमुना नदी है, वो उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की बात की जाए तो नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर यानी 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे मिलने का स्थान कहाँ है? तो एक दूसरे का मिलने का स्थान जो है वो झांसी में है, ठीक है, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो झांसी में मिलता है। नेक्स्ट है, दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल बैजल जो दिल्ली के राज्यपाल थे। नेक्स्ट है, फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रैंक चांदीपुर से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो ये 450 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो वो विनोद वशिष्ठ को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, बाण भट्ट, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शून्य के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, अब हिंदी देखते हैं, सॉरी,
निम्नलिखित तद्भव शब्दों में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ग्रत का पी, यही गलत है, ठीक है, ग्रत का घी हो जाएगा, ऊट का ऊट, त्वरित तुरंत, तिक्त तीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में त्रुटिपूर्ण की बात की गई है, गो में गोबर, खीर खीर, पर्यक पटरी नहीं हो, पर्यक का होता है पलंग, ठीक है, सपत्नी का सौत, ये हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो सीमा कुत्ते से डरती है, किससे डरती है? कुत्ते से, किससे? कुत्ते से, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, तो किससे डरती है? कुत्ते से, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, अलग हो रही है, डरती है, दूर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए राकेश यहाँ आओ, तो वाक्य में हो जाएगा संबोधन कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हनुमान का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो विनायक नहीं है, ठीक है। विनायक किसका होता है? विनायक होता है गणेश जी का, पवन सुत मारुति नंदन, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है बिहग, ठीक है, शार्दूल ये शेर का होता है, उरक बृंद ये नाग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। तनय सुत आत्मज ये किसके पर्यायवाची होते हैं? तो तनय सुत आत्मज यानी कि तनय सुत माने पुत्र होता है, तो ये पुत्र के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? तो विराम चिन्हों का प्रयोग की बात की जाए तो होता है अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अर्ध विराम का, ठीक है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? तो दुष्कर, तो दुष्कर में उपसर्ग हो जाएगा दुष, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? तो विशिष्ट या भिन्न है, विशिष्ट बी, तो ये जो भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा विश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? निर, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सी, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, निर्जीव, निर्धन, निरोग, तीनों में है, कोई नहीं, इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसमें निर का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो चौपाई में उपसर्ग प्रयोग किया गया है वो हो जाएगा हमारा हिंदी उपसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की बात की गई है, तो तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये तो शुद्ध है। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, ये भी गलत है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है, ये भी गलत है। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, सॉरी एक मिनट, ये तो गलत है ही है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी वाला सही हो जाएगा। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उसने अपनी बात धीरे से बताई, गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, डी वाला, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला, ये तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध की बात की गई, अशुद्ध पूछा गया है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की अशुद्ध है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, यही गलत है। प्रत्यक्ष के अशुद्ध पूछा गया, अशुद्ध तो सभी हैं, प्रत्यक्ष के प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण में, प्रत्यक्ष के प्रमाण की, ये भी गलत है, यानी कि यहाँ पे अशुद्ध की जगह पे शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध, शुद्ध पूछा गया है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारह सिंगा शब्द में समास कौन सा है? बारह सिंगा में तो सीधी सी बात है, बारह दिया गया है, आप सोच रहे होंगे बारह सिंगा यानी कि बारह जब दिया गया तो दीव समास, दीव समास इसमें नहीं होगा, इसमें बारह सिंगों वाला, ठीक है, बारह सिंगों वाला कौन सा हो जाएगा?
यानी कि बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधारय, तो कर्मधारय का उदाहरण क्या हो जाएगा, गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला। ठीक है, ये बहुव्रीहि हो गया। पाठशाला, पढ़ने का घर। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, ये भी बहुव्रीहि है, यानी कि जो श्वेत पत्र है ना, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानंद में समास है, परमानंद, परमानंद में कौन सा समास होगा, तो परमानंद में कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समास नहीं है, कौन सा समास नहीं है, तो ये कर्म कारक है, ये समास नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान जो होते हैं वो किस में होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सॉरी एक मिनट, कहाँ पे, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध या शोक का होता है, उत्साह, शोक, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त तो शब्द कौन सा है, तो अवसर का लाभ उठाना मतलब बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बाधा डालने के मुहावरे का अर्थ होगा रोड़ा अटकाना। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है, अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है, तो अपना हाथ मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना, तो सी वाला सही हो जाएगा, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त क्या है, तुम सब एक जैसे हो, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नयनन के जल से पग धोए में उपयुक्त कौन सा अलंकार, अलंकार पूछा गया है, तो अलंकार इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति। ठीक है, नयनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार चंद की चंचल क्रीड़े खेल रही थी जलथल में उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार, यानी कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के बेभाव जो सुसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, तो कृत्रिम का होगा प्राकृतिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा, उदात्त, तो उदात्त का होगा अनुदात्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उदार का विलोम है, उदार का विलोम होगा कठोर, नहीं उदार का विलोम होगा अनुदार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, गो, गो का अर्थ नहीं है, तो गो का अर्थ गज नहीं है। ठीक है, गो गाय होती है, नदी होता है, इंद्री भी होती है, गज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए, अब्ज के गलत विकल्प, अब्ज शंख होता है, चंद्रमा करम सॉरी कपूर होता है, मेघ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ पतवार भी है, किसका पतवार है, तो जो पतवार हो जाएगा वो करण का पतवार हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए, जहां तक मैं समझता हूँ मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उसके निवासियों का सबसे सुंदर चित्र भी सहायक नहीं हो सकता था, सियोमका और फेदका को पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जाने की क्या जरूरत है, अगर जैसी की संभावना है वे वहां कभी नहीं जा पाएंगे, अगर सियोमका का वहां कभी जाना होगा भी तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसने यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं, क्योंकि तक इन
उस तक वे जल मार्गों को व्यवहार में जान ही जाएगा और अच्छी तरह जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है कि बोलगा में सन से लदे जहाज नीचे की ओर आ जाते हैं और अलकतरे से लदे जहाज ऊपर की ओर, कि दुबोका नाम का एक बंदरगाह है, कि फलां भूमिगत परत फलां जगह तक जाती है, कि सामोयेद लोग बारहसिंगा गाड़ियों पर सफर करते हैं, वगैरह वगैरह। तो स्योमका और फेदका कौन है? तो स्योमका और फेदका जो हैं वो विद्यार्थियों के नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है, तो वह कौन सी पढ़ाई निरर्थक जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में ना करते हों? ठीक है, ऑप्शन एक ये सही हो जाएगा। निवासी का बहुवचन क्या होगा? तो निवासी का बहुवचन हो जाएगा निवासियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? कलात्मक चित्रण, मनोहरी, सुंदर, सौंदर्य नहीं हो जाएगा, ठीक है। फर्क का समानार्थी क्या है? तो फर्क का जो समानार्थी है, फर्क का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।